वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ खास, नायाब और चौंकाने वाली चीजें वायरल होती रहती हैं। ऐसे ही कुछ आज भी हुआ, जब एक बुजुर्ग दंपत्ति का झगड़ा सुला, यूपी डिप्टी सीएम का अजान पर भाषण रोक देना और गैस सिलेंडर में शराब की तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। देखिए इस रिपोर्ट में लोगों ने क्या कुछ कहा इन घटनाओं पर। यूपी के गोंडा जिले के एक थाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग दंपत्ति वन मुटाव को लेकर थाने शिकायत करने पहुंचे थे। इसके बाद जो हुआ उसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। सचिन कौशिक नाम के ट्विटर यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि दादा दादी का झगड़ा हुआ और थाने तक पहुंच गया, अब समझौता देखिए। एक दूसरा यूजर अवनीश शरण ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि दादा दादी का झगड़ा और सुलह, खूबसूरत पल। विशाल गोदारा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मोबाइल नहीं होगा दादा दादी के पास, इसलिए उन्हें झगड़ने का मौका मिल गया। ये मोबाइल झगड़े, प्यार, मोहब्बत सबको लील गया है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से वहां के लोग शराब बेचने और खरीदने का गजब जुगाड़ कर रहे हैं। इन जुगाड़ों का वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होता रहता है। ऐसा ही एक वीडियो बिहार की राजधानी पटना से वायरल हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। उत्कर्ष सिंह नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, गैस सिलेंडर को बना दिया शराब का गोदाम। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक दूसरे यूजर ने लिखा है, ये तकनीक बिहार में विकसित की गई है। तो वहीं एक दूसरे यूजर नस्तुला हैबर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, कितना टैलेंट कहां से लाते हो। इन दिनों देश भर में अजान को लेकर बवाल मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि अजान लाउडस्पीकर लगाकर नहीं होनी चाहिए, तो कोई इसके बदले हनुमान चालीसा को बजाने की बात कर रहा है। इस बीच सबको सुकून देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का है। इस वीडियो में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जैसी अजान की आवाज आती है तो वो अपना भाषण रोक देते हैं। उनके इस व्यवहार को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। तो ये थी वायरल हो रहे वीडियो पर हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से संबंधित खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।